अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू वीडियो टू। दूसरी वीडियो मैं बनाने लगा हूँ। असल में पहली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो टॉपिक वन पे ये तीनों चीज़ें डिफाइन करके मैंने वीडियो वन क्लोज़ कर दी थी। अब ये वीडियो टू है जिसमें हम ये वाले तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मार्क्यू के टैग से। अपनी उसी सेम फाइल के अंदर मैं एडिटिंग करूँगा। ये चारों पैराग्राफ की मुझे नीड नहीं है, एक्चुअली इसकी भी नहीं है। पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली हम क्रिएट करने क्या जा रहे हैं। सैलानी का होम पेज जब आप खोलेंगे तो आपको एक न्यू स्टिकर नज़र आएगा जिस पर एक न्यूज़ स्क्रॉल करती है। आई थिंक मेरा इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। इट्स गुड नाउ। देखें ये न्यूज़ स्टिकर की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्लाइडर के नीचे ये ब्लू कलर का ये वाला। अब ये मुस्तकिल स्क्रॉल करता चला जाएगा, ये जो भी हमारी हेडलाइंस होंगी, जो भी हमारी न्यूज़ होंगी वो इस पर शो होती हैं, तो इसको हम न्यूज़ स्टिकर बोलते हैं। ये कैसे क्रिएट करेंगे? ये मार्क्यू के टैग से क्रिएट होता है। HTML के अंदर एक टैग है MARQUEE। अब इस टैग के दरमियान में हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा स्क्रॉल करना शुरू हो जाएगा। लेट्स से मैं एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ और इसमें मैंने एक न्यूज़ ऐड कर ली। पैराग्राफ के अंदर मैंने डमी टेक्स्ट ऐड कर लिया। तो अब देखें, मैंने आगे रीलोड किया तो मेरे पास भी एक न्यूज़ बन गई है जो कि मुस्तकिल चल रही है। अभी ये इतना विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की है। तो मैं CSS में आता हूँ अपनी, मैं बोलता हूँ मार्क्यू और इसका मैं बैकग्राउंड कलर #FF0। अब देखिएगा येलो कलर हो चुका है इसका और इस पर एक न्यूज़ चल रही है। तो आप अपने असाइनमेंट 3 में ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। इसमें फर्दर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनके ज़रिए से हम इसे और मज़ीद मॉडिफाई और मज़ीद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसकी स्क्रॉलिंग स्पीड, तो उसके लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट है जिससे हम कंट्रोल करेंगे, मार्क्यू के टैग में हम अपना एट्रीब्यूट ऐड करेंगे स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट वो स्पीड होती है जिस स्पीड से वो टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा होता है। तो लेट्स से अगर मैं इसको 100 दूँ, आके मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें आप, रॉकेट लग गया इसके पीछे। अगर इसको 200 कर देंगे तो ये और डबल हो जाएगी, और कम कर देंगे तो आप बिल्कुल कम भी कर सकते हैं। मैंने 2 कर दिए तो ये देखें कितना स्लो आ रहा है। तो इट्स अप टू यू, जो भी आप मुनासिब समझें वो यूज़ करें। दूसरा हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है बिहेवियर, सॉरी डायरेक्शन। डायरेक्शन अभी आप देखें कि मैं इसकी स्क्रॉल स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, 60 मैंने कर दी है, चलिए ज़्यादा हो गई ये 30। अभी देखें आप, ये लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये राइट की तरफ स्क्रॉल करे, लेफ़्ट की तरफ ना करे, तो मैं इसमें एक डायरेक्शन का एट्रीब्यूट ऐड करूँगा और इसकी वैल्यू मैं कर दूँगा राइट। तो अब देखें ये राइट की तरफ स्क्रॉल करेगा। सेम फॉर टॉप, अगर मैं कर दूँगा तो एक्चुअली ये टॉप नहीं है, अप होगा। यस, तो स्क्रॉल स्पीड ज़्यादा है। मैं इसको 6 कर देता हूँ। तो ये देखें ये अपसाइड हमारे पास, जो कि हमारे सैलानी के पेज में दूसरा है। ये देखें ये अपसाइड स्क्रॉल। और इसी तरह अगर मैं इसको डाउन कर दूंगा तो ये नीचे की तरफ स्क्रॉल करेगा। इसके बाद एक एट्रीब्यूट हमारा और है जो मार्क्यू के टैग में होता है और वो है बिहेवियर।
बिहेवियर यानी कि इसका जो अंदाज़ है जो तो इसके लिए हम टैक्स थोड़ा सा कम कर लेते हैं पहले। मैंने टेक्स्ट को अपने कम कर लिया और डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है तो मैं डायरेक्शन को रिमूव कर देता हूँ और स्क्रॉल अमाउंट को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। एक्चुअली मैं इसको ऐड कर देता हूँ और 20 कर देता हूँ। अब बिहेवियर, एक तो ये इसका बिहेवियर देखेंगे, आ रहा है स्लाइड हो रहा है, आ रहा है स्लाइड हो रहा है, ये बिहेवियर कहलाता है हमारे पास स्क्रॉल। अभी मैं इसको स्क्रॉल डिफाइन कर दूंगा तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल ही होता है। अगर मैं इसको स्लाइड करता हूँ और स्पीड भी थोड़ी सी इनक्रीज़ कर देता हूँ मैं, अब देखें क्या हुआ। ये आया, इसने स्लाइड किया, आगे रुक गया, ये हमारा बिहेवियर स्लाइड कहलाता है। अच्छा, स्लाइड के साथ एक एडिशनल चीज़ होती है लूप। मैं इसको अगर 2 कर दूं तो अब देखें, ये 1 टाइम स्लाइड हुआ, ये 2nd टाइम स्लाइड हुआ, अब यहाँ के रुक जाएगा। अगर मैं इसको 3 कर दूँ, 30 कर दूँ, 300 कर दूँ, कुछ भी कर दूँ तो ये उतने टाइम स्लाइड होगा और जब इसका काउंट पूरा होगा तो ये लेफ़्ट साइड पर आकर रुक रुक जाएगा। और अगर इसी तरह इसकी डायरेक्शन राइट मैंने दी हुई थी तो ये राइट साइड पे जाके रुक जाएगा। तो लूप जो चलता है हमारे पास सिर्फ स्लाइड के साथ वर्क करता है। पहला जो बिहेवियर हमारे पास था वो था स्क्रॉल, दूसरा हमने डिस्कस किया स्लाइड, और तीसरा बड़ा मज़ेदार है इसका और वो है अल्टरनेट। मैंने इसको अल्टरनेट किया तो अब ये देखें, ये एक बार आया, अब ये कहीं जा नहीं सकता। ये देखें, ये लेफ़्ट से टकराएगा, राइट भागेगा, राइट से टकराएगा, लेफ़्ट भागेगा, और ये इसी तरह लेफ़्ट राइट मूव करता रहेगा। विड्थ वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, लेट्स से मार्गिव, अगर आपको पूरे पेज पे नहीं चाहिए तो आप मार्गिव के टैग में आएँ, आप विद दे दें इसकी 350 पिक्सल, तो ये देखें। तो ये तो था मार्क्यू का टैग जो कि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और अब आप लोग भी इस काबिल हैं कि अपने असाइनमेंट 3 में ये आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है कि अगर आप गौर से देखें कि अगर इस वाले के ऊपर मैं हावर करता हूँ तो ये स्टॉप हो जाता है। ये कैसे होता है? ये एक छोटा सा काम है, ये बिल्कुल ऑन हावर पे, ये ऑन माउस हावर पे स्टॉप हो जाता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ऐड करना बता देता हूँ। चलें, मार्क्यू में आया, जैसे मैंने ये काफ़ी पहले किया था तो मुझे याद नहीं है कि मुझे सही से याद है या नहीं है। ट्राई करते हैं, ऑन माउस ओवर, ये एक एट्रीब्यूट है, एक्शन है एक्चुअली। ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप, ये देखें सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। मैं विद को दोबारा से हटा देता हूँ, ये देखें, ये आ रहा है मूव कर रहा है, ये आ रहा है मूव कर रहा है, लेकिन जब मैं माउस ओवर करूँगा ये स्टॉप हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं माउस हटा भी ले रहा हूँ तो भी ये स्टॉप है, वापस चल नहीं रहा। तो इसके लिए मैं दोबारा से आऊँगा और इसमें ऐड करूँगा ऑन माउस आउट दिस डॉट स्टार्ट आई गेस, यस। तो ये देखें आप, अभी ये प्रॉपर चल रहा है, मैंने माउस ओवर किया, रुक गया और ये चल पड़ा दोबारा से। तो दैट्स ऑल फॉर द मार्क्यू टैग। नेक्स्ट हमारा है फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स। फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स क्या हैं, ये देखें, टॉप बार के अंदर ये जो आइकॉन्स हैं ये मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, आई के टैग के अंदर एक स्पेसिफिक क्लास है
तो इन्हें हम बोलते हैं फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स, ये इमेजेस नहीं है। ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फॉन्ट ऑसम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। आप गूगल पर आएँ, आप लिखें फॉन्ट ऑसम डाउनलोड, और ये पहली वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम डॉट कॉम, आप इस पर आ जाएँ। अब ये फॉन्ट ऑसम के दो वर्जन्स हैं, एक ये फॉन्ट ऑसम 5 है, 5.1.3 समथिंग है ये, और एक और है जो पुराना वर्जन है। अगर ये यूज़ करेंगे तो अभी फ़िलहाल ये यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम फॉन्ट ऑसम की मेन वेबसाइट पर आए और हम सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा ओल्ड वर्जन 4.7, इसको क्लिक करें। ये हम आ गए 4.7 के वर्जन पर। अब इसको डाउनलोड मैंने करना है, मैंने सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। ये मुझसे पूछ रहा है कि आप गेट द लेटेस्ट वर्जन, और मैं बोलूँगा नो थैंक्स, मुझे फॉन्ट ऑसम 4 ही दे दो। ये डाउनलोड होना स्टार्ट करेगा, चेक करते हैं। ये रहा डाउनलोड का बटन। तो ये देखिए छोटी सी एक लाइब्रेरी है, फ़ौरन से डाउनलोड भी हो गई है। आपके पास शायद थोड़ा सा टाइम रहे, नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो अब मैं इसको शो इन फोल्डर करता हूँ। तो ये देखें, ये मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, कट, मैंने क्लोज़ किया। अब जो भी हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी मतलब जो भी हमारी रूट डायरेक्टरी जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पर लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा CSS का, दूसरा मैं फोल्डर एक बनाऊँगा फॉन्ट्स का। अब इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं चेक करते हैं क्या फाइल्स हैं। काफ़ी टाइम ले रहा है। मैंने राइट क्लिक किया और इसको कर दिया एक्सट्रैक्ट हेयर। अब इस जिप फाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, आप लोग संभाल के रख लीजिएगा, आपके काम आएगी दूसरे किसी प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए। तो जब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो इसके अंदर एक फोल्डर इसने एक्सट्रैक्ट करके दिया जिसके अंदर कुछ फाइल्स मौजूद हैं। अब ये क्या फाइल्स हैं और क्यों हैं, इस चीज़ से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम सिर्फ इसमें से अपने काम की चीज़ लेंगे, बाकी सब हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे काम का इधर जो है वो एक ये CSS का फोल्डर है और एक ये फॉन्ट्स का फोल्डर है। इसके अलावा ये लेस SCSS हेल्प अस आउट, ये कुछ भी काम करनी है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं वापस आता हूँ, मेरा CSS का फोल्डर ब्लैंक है अभी, तो मैं फॉन्ट ऑसम का CSS में आया, मैंने ये दोनों फॉन्ट ऑसम की फाइल को कट किया। वापस मैंने क्या किया, मैंने फॉन्ट ऑसम के CSS के फोल्डर में जितनी भी फाइल्स थी इनको कट करवाया, अपने CSS के फोल्डर में को पेस्ट करवा दिया और ये वाला फोल्डर डिलीट कर दिया। इसी तरह सेम फॉर फॉन्ट, मैंने पूरा फोल्डर ही कट किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। तो ये देखें, अब फॉन्ट्स के अंदर मेरे पास फॉन्ट्स आ गए जो कि फॉन्ट ऑसम के हैं, और CSS के अंदर मेरे पास CSS आ गई जो कि फॉन्ट ऑसम की है। ये फोल्डर बेकार हो गया, मैंने डिलीट कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप वीडियो रिवाइंड करें, आप दोबारा से प्रोसेस देखें, मैंने किस तरह डाउनलोड किया, किस तरह अपने रूट फोल्डर में मैंने इसकी फाइल्स को सेटअप किया है। अब फाइल्स को सेटअप करने के बाद अगला जो स्टेप है वो है प्रोजेक्ट में ऐड करना। तो मैं अपने index.html में आता हूँ। अटैच करना इंतहाई आसान है, जैसे कि हम अपनी style.css को लिंक करते हैं, इसी तरह मैं अपने हेड के सेक्शन में दोबारा आऊँगा
मैं इसको कहूँगा लिंक, और अब की बार जो मैं अपना रेफरेंस दूंगा तो अब देखिएगा रेफरेंस बनाने के लिए, ये मेरी मेन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इसके अंदर अब मेन पर ये फाइल मौजूद नहीं है, स्टाइल डॉट सी एस एस मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ मौजूद थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका नाम पाथ के तौर पर दे दिया था। लेकिन अब ये सी एस एस के फोल्डर में, तो मैं इसको बोलूँगा सी एस एस फॉरवर्ड स्लैश से मैं सेपरेट करूँगा, इसको बताऊँगा कि फोल्डर में, और इसने ये खुद ही मुझे बता दिया है फॉन्ट ऑसम डॉट मिन। अच्छा, इसके अंदर आपको दो फाइल्स नज़र आ रही होंगी, एक फॉन्ट ऑसम है और एक फॉन्ट ऑसम डॉट मिन डॉट सी एस एस है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों सेम फाइल्स हैं, बस ये मिनीफाइड वर्जन है इसका और ये नॉर्मल वर्जन है। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये इसका नॉर्मल वर्जन है जो कि हम जिस तरह सी एस एस करते हैं उसी तरह हुई भी है, जबकि मिनीफाइड वर्जन में क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं ये नहीं होते। देखें, ये विदाउट एनी स्पेस विदाउट एनी लाइन ब्रेक के सी एस एस हुई भी है। इससे क्या होता है, लाइन्स ऑफ कोड हमारा बच जाता है, फाइल का साइज़ कम होता है और सर्वर पर जल्दी लोड होती है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एक या तो फॉन्ट ऑसम डॉट मिन डॉट सी एस एस यूज़ कर लें या तो फॉन्ट ऑसम डॉट सी एस एस यूज़ कर लें। मैं यहाँ अपने पास फॉन्ट ऑसम डॉट सी एस एस यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट वाली। अब चेक करना है कि फ़ाइल हमारे पास आ गई या नहीं, तो उसके लिए कंट्रोल का बटन मैंने दबा के रखा, क्लिक किया, फाइल ओपन हो गई, मतलब कि फ़ाइल बिल्कुल सही अटैच हो गई है। अगर यहाँ कुछ लिंक में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ एरर आ जाएगा आपके पास। अगला स्टेप है, मैंने अपने प्रोजेक्ट में फाइल्स फॉन्ट ऑसम की रख दी हैं अपनी, इसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इसको लिंक करवा दिया है। अगला है हमारे पास स्टेप यूज़ करना, तो यूज़ करने के लिए मैं सैलानी जैसी एक टॉप बार बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने एक डिव लिया, मैंने डिव को क्लास दी टॉप बार, ये कोड मैं कमेंट कर देता हूँ। टॉप बार के अंदर मैं एक और डिव बनाऊँगा डिव डॉट सोशल, और इसको मैंने क्लास दे दी सोशल। अब सोशल के अंदर आइकॉन्स को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, आई का टैग आता है, आई मतलब आइकॉन, आपने आई ओपन किया, आई क्लोज़ किया, आपने आई इटैलिक पढ़ा होगा, ये वाला आई नहीं है, आपने आई का टैग ओपन किया, आई का टैग क्लोज़ किया, इसकी क्लास दी। क्लास यहाँ मैटर करती है कि आप क्लास क्या देंगे। फॉन्ट ऑसम के आइकन्स की जो क्लासेस हैं वो बड़ी मीनिंगफुल हैं, जैसे कि फेसबुक का आइकन है तो इसकी क्लास फेसबुक होगी, ट्विटर का है तो ट्विटर होगी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, चेक करते हैं। मैंने क्लास दी, अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर FA, FA मतलब फॉन्ट ऑसम, जो कि ये बताएगा इसको कि ये फॉन्ट ऑसम का आइकन है, और फिर वो स्पेसिफिक आइकन की क्लास जो हमें शो करवाना है। FA डैश फेसबुक में इसको देता हूँ, देखते हैं ब्राउज़र पे हमारे पास क्या होता है। तो ये देखें, एक आइकन ब्लैक कलर का हमारे पास शो हो गया। सेम अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, चार आइकॉन्स मैंने यूज़ कर लिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो ये देखें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अच्छा, मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, डॉट टॉप बार। अच्छा, अगर आप इस चीज़ से कंफ्यूज है कि ये नाम आपको कैसे पता चलेंगे कि किस चीज़ के लिए क्या यूज़ करना है, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा, इससे कंफ्यूज ना हो। मैंने टॉप बार को बैकग्राउंड कलर दिया, मैं इसको हैश F90 करता हूँ, और फिर बाद में यहीं से मैं इसको चेंज कर दूँगा। टॉप बार को मैंने कलर दे दिया है, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल,
लेफ्ट राइट से ज़ीरो, एक्चुअली चारों तरफ से 10 पिक्सल। अब आपने आइकन का कलर चेंज करना है तो आप आइकन का कलर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, 3-4 तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। आप सिंपल बोलें आई, आई यानी कि आपका आइकन, आप आएँ इसका कलर FFF वाइट कर दें, तो आपके जितने भी आइकॉन्स यहाँ पर मौजूद होंगे HTML में वो सब वाइट हो जाएंगे। अब बहुत सारी जगह आपको वाइट यूज़ करना होंगे, बहुत सारी जगह किसी और कलर के, तो आप इस तरह यूज़ ना करें, आप इसको इस तरह यूज़ करें कि डॉट टॉप बार, यानी कि जो डॉट टॉप बार की क्लास है इसके अंदर जो आइकॉन आई यानी कि आइकॉन मौजूद हैं उन सबको कलर FFF कर दो। रिफ्रेश किया तो भी सेम मेरे पास है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि बजाय अलग से देने के, मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और मैं टॉप बार को ही बोल दूँगा कि आपके पास जितने भी चाइल्ड हैं सबका कलर वाइट कर दो। तो अब ये क्या करेगा कि अगर मैं इसमें कोई पैराग्राफ, कोई टेक्स्ट भी ऐड करूँगा, लेट्स से अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैंने आई के बाद कुछ भी ऐड किया, ये उसको भी वाइट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पेरेंट होगा वो टॉप बार होगा और टॉप बार को मैं यहाँ बोल चुका हूँ कि अपना कलर वाइट रखो। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं डॉट टॉप बार के अंदर, आई पैडिंग टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। तो ये देखें तकरीबन सेम बन गए। ये टॉप बार कैसे ये स्पेस ले रही है, मार्जिन ये वो, ये भी हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाऊँगा और इसको मार्जिन 0 पैडिंग 0। तो ये देखें, अच्छा ये क्या है यूनिवर्सल सेलेक्टर, आपको पता होगा कि ये सारे टैग्स को सेलेक्ट करने के लिए होता है। मैंने सबको सेलेक्ट किया और बोल दिया मार्जिन 0 और पैडिंग 0। क्रोम या ओपरा या फायरफॉक्स, ये जितने भी ब्राउज़र्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, कहीं ना कहीं से मार्जिन पैडिंग कुछ ले रहे होते हैं। तो इसको हम रीसेट भी बोलते हैं कि ये एक तरह से मैंने इसकी जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग थी उसको रीसेट कर दिया, कि मैंने ऑल का सेलेक्टर से टारगेट किया और सबका मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर दी। तो ये देखें यहाँ हमारे पास आइकॉन्स भी ऐड हो चुके हैं। अच्छा अब हमारा अगला सवाल जो है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा आइकॉन यूज़ करना है, तो उसके लिए आप सिंपल वही दोबारा से देखते हैं, फॉन्ट ऑसम आप यहाँ लिखें, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर आप आएँ। अच्छा फॉन्ट ऑसम 5 को यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि आप 4 यूज़ कर रहे हैं तो इसके आइकॉन्स को यूज़ करेंगे तो क्लासेस का नाम डिफरेंट होगा। आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर आएँ, नीचे स्क्रॉल करें, ओल्डर वर्जन 4.7 पर आ जाएं। यहाँ पर आपको एक टैब दिख रही होगी आइकॉन्स की, आप आइकॉन्स पर आ जाएं, नीचे स्क्रॉल करें तो ये देखें बेतहाशा यहाँ आइकॉन्स हैं। अब आपने कोई सर्च करना है अपना तो ये सर्च करना है, जैसे मुझे ईमेल का चाहिए तो ईमेल के लिए आपने देखा होगा वो इनवेलप छोटा सा बना हुआ आता है, तो मैं सर्च करता हूँ इनवेलप। तो ये देखें ये सारे आइकॉन्स हैं मेरे पास। इनवेलप के बजाय मैं अगर हैमर सर्च करूँ लेट से, तो हैमर मेरे पास नहीं है, रॉकेट सर्च कर लेते हैं, रॉकेट हमारे पास आएगा। ये देखें इसी तरह व्हाट्सएप का मैं चेक कर लेता हूँ, व्हाट्सएप भी हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ व्हाट्सएप की लेट से मेरे को क्लास नहीं पता कि क्या होगी, तो मैंने यहाँ लिखा व्हाट्सएप, ये आया, मैंने इसको क्लिक किया, ये देखें ये पूरा आई का टैग बना के इसने मुझे दे दिया। मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा, अपनी HTML में लाऊँगा, पेस्ट कर दूँगा, रिफ्रेश किया तो ये देखें व्हाट्सएप का आइकन भी यूज़ हो गया हमारे पास, ऐड हो गया।
आपने इनको क्लिकेबल बनाना है, एंकर बनाना है, तो आप सिंपल इसके पहले एंकर का टैग ऐड करें। हाइपर रेफरेंस में आप रेफरेंसेस का कुछ भी ना डालें और एंकर को इसके बाद जाके क्लोज़ कर दें। तो ये देखें, ये अब एंकर का कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होता है, इसलिए इसने इसको ब्लू कर दिया। तो आप टेक्स्ट डैश वाइट की क्लास भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप बोलें एंकर कलर वाइट, तो पूरे पेज में जितने भी एंकर्स होंगे सब वाइट हो जाएंगे। और ये देखें, इसी तरह आप ये सारे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 3 यानी कि फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स यूज़ करना, ये भी क्लोज हो जाता है। ये काफ़ी सारी जगह यूज़ हुए हैं, टॉप बार में भी यूज़ हुए हैं। वैसे ये वैसे इमेजेस हैं, लेकिन ये आपको फॉन्ट ऑसम के आइकन में भी आई थिंक मिल जाएंगी। लेट से ये स्टेथोस्कोप अगर मैं सर्च करूँ, मैं वापस बैक आता हूँ, स्टेथोस्कोप ये देखें, मैं इसको क्लिक करूँगा, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सेव किया, रिलोड किया, स्टेथोस्कोप भी आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ है फॉन्ट ऑसम का साइज़ यानी कि आइकॉन का साइज़। तो बिल्कुल आप साइज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। आप ये रहा टॉप बार के अंदर, मैंने इसकी पैडिंग दे दी, मैं इसका कलर दे सकता हूँ। मैं इसका कलर रेड अगर मैं करूँ तो ये देखें सारे रेड हो जाएंगे। मैं ब्लू कर दूँ, ये मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी बाय नेम कलर यूज़ नहीं करेंगे। आप इसका साइज़ के लिए आप इसको फॉन्ट साइज़ देंगे, विड्थ और हाइट इस पर काम नहीं करेगी। आप इसको फॉन्ट साइज़ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, 72 पिक्सल मैंने किया, तो ये देखें ये बड़ा हो गया। और इसी तरह अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ, छोटा हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो छोटा सा हमारा टॉपिक है इमेज ग्रेडिंग। सैलानी की वेबसाइट पे ही मैं आ जाता हूँ। आपको इमेज चाहिए, कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिन पर आप राइट क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ये लोगो, ये मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ मेरे पास आ गया ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये मेरे पास इमेज न्यू टैब में खुली, मैं इसको सिंपल यहाँ ला के मैंने डेस्कटॉप पे रख दी। ये है पहला तरीका। अब बहुत सारी इमेजेस ऐसी होती हैं जिन पे हमारे पास राइट क्लिक और ओपन इमेज इन न्यू टैब नहीं आ रहा होता। जैसे अब ये लिंक है, लिंक पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ भी मेरे पास ओपन इमेज इन न्यू टैब अवेलेबल है। मैं इसको सिंपल ड्रैग करूँगा, या अगर यहाँ आपके पास से ड्रैग नहीं हो रहा तो आप यहाँ राइट क्लिक करें, सेव इमेज करें, डेस्कटॉप पर सेव कर दें, तो ये आपके पास ये आ गई है। इसी तरह अगर स्लाइडर की इमेज हम देखें, राइट क्लिक किया, या यहाँ पर ओपन इमेज इन न्यू टैब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अब इस इमेज को हम कैसे निकालेंगे? हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, हमारा इंस्पेक्टर हमारा ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, मुझे ये इमेज चाहिए। तो कभी कभी ये इमेज HTML के अंदर भी आ रही होती है, और कभी कभी ये इमेज बैकग्राउंड के तौर पर भी यूज भी होती है। तो आपको ये बाकायदा देखना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट में जाके आप इसका बेहतर तरीका कार ये है कि इसका जो भी पेरेंट है, देखें मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, ये स्पेन पे लेकर आ गया। इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है। इसी तरह मैं इसके मेन पेरेंट पे चला जाऊँगा, जो भी मेन पेरेंट है ये है। रेवोल्यूशन स्लाइडर, रेवोल्यूशन स्लाइडर के अंदर ULLI है। तो अब आप देखें, ये पहली LI यानी कि पहली इमेज यानी कि पहली स्लाइड होगी, ये दूसरी होगी। अब आप इसको यहाँ स्क्रॉल करें, यहाँ कहीं ना कहीं आपको इमेज नज़र आ जाएगी जो कि बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ हुई हुई होगी। अगर यहाँ नज़र नहीं आ रही तो HTML में ही देख लें। देखें ये डेटा था, मैं इसका URL दिया हुआ है, ये मैंने इसको डबल क्लिक किया और राइट क्लिक, गो टू दिस लिंक, तो ये मेरे पास इमेज आ गई। सिंपल मैं इसको ड्रैग करके डाउनलोड कर लूँगा।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मार्क्यू टैग भी हमने देख लिया, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स भी हमने ऐड कर लिए, बेसिक मिस्टेक्स भी हमने कवर कर ली, इमेजेस भी डाउनलोड करनी आ गई। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कहीं भी आप फंस रहे हो, आप मुझे स्लैक पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी फेसबुक की प्रोफाइल अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर नोट कर लें, facebook.com/hasnain.shafiq.50। ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है, इसको अगर आप यूआरएल में कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आप सीधे मेरी प्रोफाइल पे लैंड करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो सकता है, मैंने वर्ड्स आगे पीछे कर दिए हों, कुछ कहने के बजाय कुछ और कह दिया हो, कुछ मिस कर गया हूँ, तो उसके लिए आप खुद ही एडजस्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।